राजधानी रांची में आज झारखंड छात्र संसद का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और सीधे आपको ले चलते हैं, यह कार्यक्रम वहां चल रहा है। तो विधानसभा, आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद हैं। ये झारखंड छात्र संसद का आयोजन आज किया गया है और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की, जहां पर किस तरीके से छात्र संसद का आयोजन किया गया है और वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं रांची से। और अब जब आज के इस अवसर पर हमारी उपस्थिति है, सबकी उपस्थिति है, स्वागत की परंपरा को निभाते हुए हम हरियाली और पवित्रता का प्रतीक रुद्राक्ष का पौधा प्रदान करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय से निवेदन करती हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को रुद्राक्ष का पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें और आप सबकी तरफ से हम जोरदार तालियां जरूर चाहेंगे स्वागत स्वरूप। माननीय अध्यक्ष महोदय से ही निवेदन, मंच पर उपस्थित माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय को रुद्राक्ष का पौधा प्रदान करें। तालियां आपकी तरफ से हों। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और अब मैं प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा सर से निवेदन करती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय को रुद्राक्ष का पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें। और अब मैं निवेदन करती हूं श्री सैयद जावेद हैदर सर से, क्या आप प्रभारी सचिव महोदय को पौधा प्रदान करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद पौधा प्रदान कर स्वागत हेतु। और आज एक ऐसा मंच जिसके माध्यम से जीवन कौशल का विकास, बच्चों में नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से हम सभी प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 में उपस्थित हैं। आज के अवसर पर हरिवंश राय जी की कविता हमें याद आ रही है जो युवाओं को प्रेरणा देती है। युग के युवा मत देख दाएं और बाएं और पीछे, झांक मत बगलें ना अपनी आंख कर नीचे, अगर कुछ देखना है देख अपने वे वृषभ कंधे, जिन्हें देता निमंत्रण सामने तेरे पड़ा युग का जुआ। यहां युवाओं को प्रेरणा देती ये कविता और हम चाहेंगे कि इसी उद्देश्य के साथ कि हमारे युवा सशक्त हों, हर तरह से जानकार हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और निभाएं, आइए हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को रोशन करे। मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करती हूं कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आदरणीय सचिव झारखंड विधानसभा महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर आज के इस प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा युवा देश, विवेकानंद ने कहा है कि देश की उन्नति सबसे अधिक उस देश की युवा पीढ़ी पर होती है। जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरे जोश और उत्साह के साथ जब युवाओं की यहां पर सशक्त भागीदारी दिखने वाली है। एक ऐसा मंच युवाओं को मिल रहा है,
इस प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 के माध्यम से पहली बार इस तरह का आयोजन हमारे झारखंड में हो रहा है। बाल छात्रों के विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी आदरणीय माननीय अतिथियों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 के विधिवत उद्घाटन के लिए।